हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ग्लोबल एजुकेशन की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है सेकंड क्वार्टर का, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट को एनालिसिस करता हूँ। नंबर्स की बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स दिए गए हैं, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात की जाए तो इस बार कंपनी इनकम जनरेट किया है। अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम जनरेट हुआ है लास्ट ईयर था 23.8 करोड़ का, सेकेंड फर्स्ट क्वार्टर में था 15.2 करोड़ का, और इस करेंट क्वार्टर में 25.6 करोड़ का इस बार का इनकम हुआ है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है ही, ईयर ऑन ईयर का इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस हुआ था लास्ट ईयर 9.8 करोड़ का, करंट क्वार्टर में है 11.6 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में था 7.3 करोड़ का। एक्सपेंसेस में इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ। और ये कंपनी का एक्सपेंस हुआ है, अगर देखा जाए तो कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है ट्रेडेड गुड्स जो सेल हुआ है इसके कॉस्ट में 6.8 करोड़ का जो है सो इस बार एक्सपेंस हुआ ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा किया गया। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का प्रॉफिट में डाउन, क्योंकि इनकम उतना ज़्यादा नहीं कर पाई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट ईयर था 14 करोड़ का, जून 24 में 7.8 करोड़ का, और करंट क्वार्टर में इस बार जो है 14 करोड़ का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में 2 लाख ओनली एज इट इज सेम फ्लैट देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट 10.9 करोड़ का था लास्ट ईयर, और 7 करोड़ का था पास्ट क्वार्टर में, और इस बार का है 10.6 करोड़ का। इस बार कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, ईयर ऑन ईयर में तो डाउन हो गया वापस से, टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का 5.25 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज डाउन होता हुआ देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बिजनेस सपोर्ट एक्टिविटीज, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर में एवरेज ग्रोथ किया, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है ईयर ऑन ईयर का। अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 59.78% का, जो कि ईयर ऑन ईयर में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में डाउन है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 43.25% का, ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट कोई खास पेश नहीं हुआ है, ओके रिजल्ट, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में डाउन है। अगर शेयर की बात करें 194 रुपीज पर शेयर ट्रेड कर रहा है, और 2.7% का लॉस हुआ है, 5 डे में 10% का लॉसेस है, 1 मंथ 0.8% का प्रॉफिट। गाइस, कंपनी से ऑलरेडी 1 वीक में बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला है। अब देखना ये कि कैसा परफॉर्मेंस करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।